मैं अनुरोध करूंगा कि ध्रुव राठी भाई आप इस वीडियो को एक बार आराम से देखें, क्योंकि मैं चीजों को अच्छी तरह जो है समझा नहीं पाऊंगा। आप जो इस वीडियो को देखोगे, पहलुओं को देखोगे, तो हो सकता है आप जो है एक अच्छी डेडिकेट वीडियो जो है वो हरियाणा को दे सके, ताकि एक मैसेज जो है वो पूरे हरियाणा को मिल सके। मैं पता नहीं इन चीजों को समझा पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। आज डिस्कस कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट हरियाणा, जिसके तीन पहलू जो हैं वो मेरे हिसाब से होने चाहिए। पहली एजुकेशन होती है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको एजुकेशन मिलती है। उस एजुकेशन करने के बाद जो बच्चा बेरोजगार होता है, फिर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागता है। तो अब इन तीनों पहलुओं का जो है वो हरियाणा के अंदर इतना बुरा हाल है, इतनी बुरी दशा है इन तीनों टॉपिकों के ऊपर जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और जो बच्चे सीपीएलओ करके यहाँ पे आए हुए हैं वो भी आराम से इस वीडियो को देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरे भारतवर्ष की, यानी कि हमारे इंडिया की। और यहाँ पर जो है दर बदर जो है समय के साथ यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन गर्व है हमें कि हम यहाँ पर नंबर वन पर होने के बाद भी यहाँ पर चुपचाप बैठे हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे चुपचाप नहीं बैठने वाली। उन्होंने जो है इन तीनों पहलुओं पे जो है विशेष कार्य किया है, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को छुपाया जा सके, यानी कि बेरोजगारी जो दर है उसको छुपाया जा सके। पिछले 2010-11 से जो है ये आंकड़े हैं, दिन ब दिन जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हरियाणा का बढ़ता ही जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ पहलुओं की बात करूं, तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको जो है एक बार दिल से सैल्यूट है। बहुत ही तगड़ा जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ पर बच्चों को कोरोना काल में 500/500 नंबर जो हों प्रोवाइड कराए गए। अगर कहीं ना कहीं ये बच्चे जो फेल होना डिजर्व करते हैं, वो बच्चे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सीट पर अगर बैठ गए, किसी दफ्तर के अंदर बैठ गए, तो हमारे हरियाणा का ऐसा विकास होगा कि हम सोच भी नहीं सकते। गवर्नमेंट जो है आप किसी भी नेता के आगे लगा लो, वहां पर कैमरे चले हुए हैं, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल है। स्किल इंडिया का नारा जो है वो यहाँ पर भारतवर्ष में दिया जाता है, तो वो स्किल इंडिया का नारा, वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर एजुकेशन के मामले में क्यों इस्तेमाल नहीं की जा रही, क्यों ऑनलाइन पेपर यहाँ पर नहीं लिए गए, क्यों बच्चों को फेल नहीं किया गया जो आगे नहीं बढ़ सकते, उनको फेल करके दोबारा उसी क्लास में दोबारा से पढ़ाओ, दोबारा से उनकी अच्छी तैयारी कराओ, ताकि उनका भविष्य जो है उज्ज्वल हो सके। इसके बाद ये तो एक बहुत छोटी चीज है, ये तो कोरोना काल के दौरान की बात है। हो सकता है मेरी बात जो कुछ लोगों को बुरी लग सके, कुछ बच्चों को बुरी लग सके, लेकिन कल की परसों की बात अगर मैं यहाँ पे रखूँ, हरियाणा का 10th 12th का रिजल्ट जो है, 10th 12th का रिजल्ट जो है वो यहाँ पे आया हुआ है हरियाणा शिक्षा बोर्ड का। आप ये स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक बच्चे के एक सब्जेक्ट के अंदर मात्र 2 नंबर हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर हैं, और यहाँ पर ये बच्चा क्वालिफाई है, यानी कि पास है। अगर कल को ये किसी गवर्नमेंट जॉब पर बैठ गया, किसी अच्छी पोस्ट पर बैठ गया, तो ये क्या हमारे देश का नाम रोशन करेगा, क्या हमारे राष्ट्र का नाम रोशन करेगा, क्या हमारे स्टेट का नाम रोशन करेगा। यही नहीं, एक और स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो है एक सब्जेक्ट में बच्चे ने 9 नंबर प्राप्त किए हैं, और एक सब्जेक्ट में बच्चे ने यहाँ पर 8 नंबर प्राप्त किए हैं, और ये बच्चा क्वालिफाई है। और न जाने ऐसे कितने हजारों रिजल्ट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिनमें बच्चे 2-3 नंबर लेके भी यहाँ पे पास हो रहे हैं। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की हालात हैं। उनको पता है कि अगर बच्चा जो है एजुकेट हो गया, उसको अच्छी एजुकेशन मिल गई, तो उसको अंदर सोचने की, विचार करने की शक्ति जो है वो पैदा होगी, और ये कभी ना कभी उठ के नेताओं से सवाल करेगा, यानी कि कुर्सी पर वार करेगा। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम आज के दौर पर चला हुआ है। आगे जो है उसके बाद बेरोजगार, हरियाणा के अंदर एक परिवार पहचान पत्र यानी कि PPP, जिसको विपक्षी पार्टी जो है परिवार पहचान पत्र बोलती है, वास्तव में ही ये परिवार पहचान पत्र ही है। यहां पर जो है परिवार पहचान पत्र हरियाणा के अंदर वो चीज बन चुकी है जो हरियाणा के अंदर ये बताती है कि हरियाणा में कितने बच्चे 0 से 5 साल के हैं, कितने बच्चे 5 से 10 साल के हैं, किस बच्चे की कितनी एजुकेशन है,
किस परिवार में एक बेरोजगार है या नहीं है, किस परिवार में कितने वर्ण आदमी है, किस परिवार में जो है कितने हैंडीकैप्ड आदमी है, किस परिवार में कितनी इनकम सोर्स है, किस फैमिली में कितनी जमीन जो हो वो इनके नाम आती है, किस परिवार में गवर्नमेंट जॉब है, किस परिवार में प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, किस परिवार में गाड़ी है, किस परिवार के घर में जो है एसी लगी हुई है। मतलब परिवार के, हरियाणा के प्रत्येक परिवार का जो भी विवरण है वो हर विवरण आपको परिवार पहचान पत्र के अंदर मिल जाएगा। और बेरोजगारी दर जो समय समय पर हरियाणा के अंदर बढ़ती ही जा रही है, उस बेरोजगारी को रोकने के लिए यहां से बेरोजगार का जो ऑप्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड का जो ऑप्शन है, अनएम्प्लॉयड का जो ऑप्शन है, आप ये स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो, यहां पर पहले कभी अनएम्प्लॉयड का ऑप्शन स्टार्टिंग में था, लेकिन आप बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए इस अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड के ऑप्शन को ही यहां से खत्म कर दिया गया है, यहां से रिमूव कर दिया गया है, ताकि आगे से कोई भी स्टूडेंट अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ये न कहे कि मैं अनएम्प्लॉयड हूं, मैं बेरोजगार हूं। तो ये ऑप्शन जो है क्रेशन मॉडल फैमिली आईडी से खत्म ही कर दिया गया है, ये रोकथाम जो है हमारे हरियाणा में चली हुई है। अब मैं बात करता हूं यहां पर गवर्नमेंट जॉब की। गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो है एक इतना बड़ा स्कैम जो है वो हरियाणा के अंदर चला हुआ है कि आप अगर सुनोगे और इन चीजों को समझोगे तो आपकी रूह कांप उठेगी मेरे भाई। सबसे पहले तो इन गवर्नमेंट जॉब को समय के साथ जो है वो खत्म किया जा रहा है। 2010 से लेकर अब तक जो है कितनी गवर्नमेंट जॉब यहां पे लगी है उसका विवरण जो हूं आपको यहां पर दे देता हूं। तकरीबन लाखों वैकेंसियां जो हैं वो हरियाणा के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के नाम पे निकाली गई हैं, और 2-3 महीने 4 महीने के बाद जो है हर वैकेंसी यहाँ पर रद्द कर दी जाती है, कैंसिल कर दी जाती है। और किसी फार्म के 25 रुपये यहाँ पे लगते हैं, किसी के 75 रुपये, किसी के 50 रुपये, किसी के 100 रुपये, किसी के 250 रुपये, किसी के 300 रुपये जो है वो फीस के नाम पे यहाँ पे लिए जाते हैं। फार्म रद्द होने के बाद वो पैसा कहाँ गया अब तक किसी को पता नहीं चला है, और न ही किसी बच्चे में यहाँ पर हिम्मत है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठा सके। ध्रुव भाई की मैंने कुछ वीडियो देखी, जिस वीडियो से जो है मुझे भी ये साहस मिल पाया कि मैं जो है कम से कम ये वीडियो तो जरूर से जरूर बनाऊंगा, क्योंकि ये बात जो है पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर जो है मुझे अंदर से खाया जा रही है, मेरे दिमाग की नशे जो है वो बिल्कुल फटने को है कि एक राष्ट्र के अंदर हमारे ही द्वारा चुने गए कुछ आदमी वो हमसे ऐसी खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं। और यही नहीं, हरियाणा के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब है, हरियाणा के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब है उनको जो है एक तो कुछ ना कुछ ऐसा लूपहोल वहां पे छोड़ दिया जाता है जिससे जो है बच्चे जो है उसकी भर्ती के ऊपर जो है कोर्ट केस करें। और बच्चे भी, हमारे पढ़े लिखे कुछ ऐसे नौजवान हैं जो उस भर्ती पर किसी लूपहोल की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से जो है उसके ऊपर केस कर देते हैं, और लाखों बच्चों के साथ जो है, ये नहीं है कि आप अकेले व्यक्ति अगर किसी भर्ती के ऊपर केस करते हो तो उसका बेनिफिट आपको मिला, लेकिन उसके साथ साथ लाखों बच्चों की उम्मीद भी जो है वो वहां पर मर जाती है। और ये आजकल हरियाणा के अंदर ट्रेंड चला हुआ है कि अगर कोई भी भर्ती निकले उसमें कुछ भी लूपहोल है, पता नहीं बच्चे कहां से ढूंढ लेते हैं, सरकार कहां से उस लूपहोल को छोड़ देती है और इस भर्ती पर जो है केस हो जाते हैं। लेकिन जब भी इलेक्शन नजदीक आते हैं, यानी कि वोटिंग की आवश्यकता जो है इन लोगों को पड़ती है, उसी दौरान भर्तियों के ऊपर जितने भी केस चले हुए हैं कोई ना कोई ऐसा समय देखते हैं जिसमें कोर्ट की 2 या 3 दिन की छुट्टी जो है यहाँ पे हो, रातों रात जो है बच्चों के लिए जो है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए दफ्तर खुलवा दिए जाते हैं, मेडिकल के लिए दफ्तर खुलवा दिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दफ्तर जो है वो रातों रात खुलवा दिए जाते हैं, वो रातों रात 1-2 दिन के अंदर जो है बच्चों को ज्वाइनिंग करवा दी जाती है। अगर ये चीज नहीं हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो कि रातों रात ये काम नहीं हुए हैं, ठीक है। ये सब चीजें ठीक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है हरियाणा जॉब जो है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब जो है, उसमें एक नई पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ने ऐड कर दी है, यूज एंड थ्रो पॉलिसी।
यूज एंड थ्रो पॉलिसी का मतलब यह है कि यूज करो और फेंक दो, यानी कि कॉन्टेक्ट बेस की जॉब या टेम्परेरी जॉब जिसके अंदर बच्चों को 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल यानी कि 12 महीने के लिए दिया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है गधों की तरह और उनको जो है फिर बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी काफी सारी भर्तियां हैं, कुछ विशेष भर्तियों की चर्चा मैं आपको यहाँ पे करने वाला हूँ। HKRN यहां पर बिना टेस्ट के, बिना इंटरव्यू के, बिना मेडिकल के सीधे जो है बच्चों की ज्वाइनिंग यहां पर करवा दी जाती है। और ये नहीं है कि इसके अंदर स्कैम नहीं है, इसके अंदर इतने बड़े बड़े स्कैम हैं जो अब तक इनका खुलासा हुआ भी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो वहां सामने निकल के आई हैं, जैसा कि आप ये स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो, एक ही गांव से 35-35 बच्चे जो है एक डिपार्टमेंट के अंदर लग गए। और इस तरह के पता नहीं कितने केस जो है वो यहाँ पे हुए होंगे, लेकिन कोई भी केस जो है उजागर नहीं हुआ, कोई भी केस जो है उस पर कार्रवाई नहीं हुई। केस जो है रातों रात दबा दिए जाते हैं, रातों रात जो है बातें छुपा दी जाती हैं, लोगों के सामने उजागर नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो है HKRN के अंदर 1 साल के लिए कॉन्टेक्ट बेस पे रखते हैं और उसके बाद जो उनको बाहर निकाल देते हैं, जो उनके अच्छे हैं, रिलेटिव हैं या फिर पैसे वाले हैं या फिर किसी अच्छे अधिकारी के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, उनको रखकर जो है बैकडोर से इनकी पक्की एंट्री यहाँ पर करवाई जाती है। जैसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने भी जो है, आप ये स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो, एक आर्टिकल जो है यहाँ पे साफ साफ चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने भी बताया है कि बैकडोर से जो आप ये कच्चे कर्मचारियों की भर्ती जो है वो पक्के में कर रहे हो, ये अवैध है, ये इलीगल है। बैकडोर से एंट्री जो है वो गलत है। यही नहीं, मैं आपको हरियाणा की आज के समय की एक विशेष भर्ती के ऊपर जो है चर्चा करके बताता हूं। भर्ती है CPLO करीब लोकल पंचायत ऑपरेटर। ये भर्ती करके हरियाणा गवर्नमेंट ने एक विज्ञापन निकाला, जिस विज्ञापन में ये बताया गया कि करीब लोकल पंचायत ऑपरेटर जो है उस पोस्ट पे आवेदन मांगे गए हैं। तकरीबन 7500 के करीब पोस्ट जो है वो यहाँ पे हरियाणा के अंदर बताई गई और प्रत्येक पोस्ट के लिए जो है प्रत्येक अप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पर ₹1000 फीस रखी गई और 2 टेस्ट जो है यहाँ पर बच्चों से लिए गए, वो भी नेगेटिव मार्किंग के साथ, ठीक है। लेकिन जब बच्चों ने ये 2 टेस्ट क्लियर कर दिए, ₹1000 फीस भी दे दी, एग्जाम गए, क्लियर कर दिए, उसके बाद जो है इन CPLO को रातों रात जो है बदलकर 2 कैटेगरियों में डिवाइड कर दिया गया। एक कैटेगरी का नाम यहां पर रखा गया अटल सेवा केंद्र, जिसको आज आप CSC के नाम से जानते हैं, अटल सेवा केंद्र नाम रखा गया। दूसरा नाम रखा गया यहां पर LC यानी कि लोकल कमेटी। ये नाम जो है वो यहां पर बच्चों को दे दिया गया, अटल सेवा केंद्र और LC, जबकि जो पोस्ट निकाली गई थी वो करीब पंचायत लोकल ऑपरेटर यानी कि पंचायत के अंदर विकास करने वाले ऑपरेटर की निकाली गई थी, VP की निकाली गई थी। और बार बार बच्चों के लगातार प्रयास के बाद भी जो है इनको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा कि आखिरकार इस भर्ती के अंदर जो है ये कच्ची है, पक्की है, सरकारी है या नहीं है, कॉन्टेक्ट बेस की है या फिर टेम्परेरी बेस की है, कैसी नौकरी है, क्या है, ये बच्चों को नहीं बताया जा रहा है। एक सिंपल, एक छोटा सा एक नोटिफिकेशन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा जारी नहीं किया जा रहा है कि आखिरकार इस भर्ती का पूरा पहलू क्या है, ये जारी नहीं किया जा रहा है। लेकिन आपको ये सुनने में शर्म आएगी और मुझे ये बताने में भी शर्म आएगी कि इन 2 पोस्टों का जो निर्माण यहाँ पे इन लोगों ने किया है, इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पर ₹6000 सैलरी है और यहाँ पर जो LC लगाए गए हैं, अगर मैं उनकी सैलरी की बात मैं ही करूँ तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो है हर उस भाई की बेइज्जती है जिसका लोकल कमेटी ऑपरेटर के अंदर जो है सिलेक्शन हुआ है और वो भी गवर्नमेंट जॉब के 2 टेस्ट देने के बाद। यहाँ पे जो है कमीशन बेस पर जो है इस बच्चे को यहाँ पे रखा जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन
अगर मैं यहां पे बात करूं कमीशन की, अगर मैं यहां पे बात करूं कमीशन की, तो जो पहले एलसी थे ये तो दो टेस्ट देने के बाद एलसी लगे हैं, इन्होंने फार्म अप्लाई किया, दो टेस्ट दिए, क्लियर किए, उसके बाद जो है इनको ज्वाइनिंग दी गई, इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए, उसके बाद इनको ज्वाइनिंग मिली है। इनसे पहले जो एलसी थे, इनसे पहले वाले एलसी, जो पहले एलसी थे उनको जो है यहाँ पर कमीशन बेस पर ही कार्य दिया गया था। और अगर मैं उस कमीशन की बात करूं तो 5 से 10 हजार रुपए जो है, 5 से 10 हजार रुपए जो है यहां पर तकरीबन इनके 4 साल के आए हैं कमीशन के, ज्यादा से ज्यादा 10 हजार रुपए लगा लो, एक एलसी की ने ज्यादा से ज्यादा कमीशन 4 साल के अंदर 10 हजार रुपए कमाया है। अगर ये एलसी यहां पर कार्य करता है तो 4 साल के अंदर अगर इसको 10 हजार रुपए मिलते हैं, जबकि परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी का इनको कार्य करना है, वो कार्य पहले ही जो पुराने एलसी थे वो बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं, अब जो बचा हुआ कार्य है वो इनको करना है, अगर इनके बराबर भी इनकी सैलरी पकड़ के चले पूरे 4 साल की, तो ये कैसे अपना गुजारा करेंगे, कैसे जो है ये अपने परिवार को यहाँ पे पालेंगे। यही नहीं, इससे बड़ी चीज ये है कि इन सीपीएलओ को एक नोटिस भी जारी किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, एक नोटिस भी जारी किया गया है क्रेडिट डिपार्टमेंट के द्वारा कि आप जो हैं अगर पहले से कोई काम करते हैं कंप्यूटर का या फिर सीएससी का, तो उस काम को छोड़कर आपको जो है सिर्फ और सिर्फ सीपीएलओ का कार्य जो है वो करना होगा, यानी कि क्रेड लोकल पंचायत ऑपरेटर का कार्य ही आपको करना होगा, आपको अपनी सीएससी या फिर अपने कंप्यूटर की जो शॉप है उस शॉप को छोड़ना होगा। अब बताओ आप ये 6 हजार रुपए मंथली और ये कमीशन पे, जो कमीशन मैंने आपको समझाया है बताया है, इस कमीशन पे कैसे अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सकते हैं। और यही नहीं, बच्चों के लाख प्रयास के बाद भी जो है गवर्नमेंट की कानों पर जो है जू तक नहीं रेंग रही है, और न ही कोई बड़ा यूट्यूबर, न ही कोई बड़ा मीडिया का अधिकारी, न ही कोई न्यूज़पेपर, और न ही आप इन चीजों पर सवाल उठा रहे हैं। हर बच्चे के पास जो है तकरीबन सभी बच्चों ने फोन कर लिए हैं, सभी बच्चों ने कहा है कि सर इसके खिलाफ आवाज उठाओ, सर इसके खिलाफ आवाज उठाओ। भाई बात इसी है, फलाना का वो जगह तो भाई मेरी सैलरी बढ़ेगी, फलाना की बढ़ेगी तो मैंने मिलेगा, उसने मिलेगा तो मुन्ने मिलेगा, हक के लिए लड़ना पड़ता है। भगत सिंह खुद दोबारा जीवित होकर नहीं आएंगे, आपको खुद भगत सिंह बनना पड़ेगा, हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आज नहीं तो आपको कल लड़नी पड़ेगी। अगर बात समझ में आ गई हो तो वीडियो ना कर फॉरवर्ड कर दियो, वरना अगर छोड़ के चले गए हो तो थारा कार्य भी खींचा सके। मैं चालू हूँ, सारे भाइयों ने राम राम।